क्या कोई एक क्रिएचर के लिए अपनी फैमिली को खतरे में डाल सकता है? लोगों के लाइफ से ज्यादा किसी के लिए क्या कोई कल्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है? और अगर कुछ लोग एक खतरनाक क्रिएचर के साथ फंस जाएं, तब क्या होगा? ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है अकेशिया मोटल। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मूवी की कहानी शुरू होती है दो चोरों से, जो कि एक रात को एक पेड़ काटने गए थे। तभी एक चोर को पेड़ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो इसीलिए वो डरकर भागने लगता है। अचानक उसी पेड़ से एक प्रेग्नेंट नेकेड औरत गिर जाती है, और उस औरत की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं दिख रही थी। तभी उस औरत का पेट फाड़कर एक क्रिएचर उसमें से बाहर निकलता है। दोनों चोर कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक आदमी आकर उन दोनों को गोली मार देता है, जिससे कि दोनों की जान चली जाती है। अब कहानी कुछ दिन के बाद से शुरू होती है, जहां पर हम जेसी और उसके फादर डेविड को देखते हैं, जो कि जेसी को अपने अकाशिया मोटल ले जा रहे थे। कुछ दिन पहले ही जेसी की माँ की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से जेसी थोड़े डिप्रेशन में था। डेविड के हाथ में हम एक टैटू को नोटिस करते हैं, और वो टैटू किसी कल्ट की निशानी लग रहा था। जेसी के फादर डेविड उन क्रिमिनल्स को रहने की जगह दिया करते थे जिनको बॉर्डर पार करनी होती थी, और उनको बॉर्डर पार करवाने में भी डेविड उनकी मदद किया करता था। फिर फेबियो नाम का एक क्रिमिनल डेविड के ट्रक में बैठकर उसके मोटल में रहने आया था, जिसको एंजेली ने भेजा था। एंजेली डेविड से क्रिमिनल को उनके पास लाने के लिए पैसे लेती है। ये मोटल शहर से काफी दूर था, और वहाँ पर खाने की भी बहुत कमी थी। वहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसी काम के भी नहीं थे। फेबियो डेविड से एक रूम मांगता है ताकि वो वहाँ पर रात बिता सके, नहीं तो वो अपने पैसे वापस मांगता है। तब डेविड के फादर फेबियो और जेसी को बेसमेंट ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी, और वहाँ पर एक पूल भी था। डेविड फेबियो को एक रूम देता है, लेकिन सभी कपड़े उतार कर फेबियो को अंदर जाने को कहता है, और डेविड फेबियो की एक पिक्चर भी क्लिक करता है। फेबियो के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, और वो इतनी ठंड में बाहर भी नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो डेविड की सभी बातें मान लेता है और नेकेड होकर उस रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर डेविड जेसी को एक ऑपरेटिंग रूम दिखाता है, जिससे सभी रूम्स पर नजर रखी जा सकती थी। जेसी डेविड से उसी रूम के बारे में पूछता है जिसमें फेबियो गया था, और तब डेविड जेसी को एक सीक्रेट डोर से उसी रूम की एक दीवार तक ले जाता है, जहाँ पर एक होल बना हुआ था। उस होल से जेसी ये देखता है कि फेबियो बेड पर सो रहा था, और बेड के अंदर कोई चीज उसको जिंदा ही खा गई, जिससे कि फेबियो दर्द से चिल्ला चिल्ला कर मारा जाता है। जेसी शॉक्ड था कि कोई बेड एक आदमी को कैसे खा सकता है। फिर डेविड जेसी को फेबियो की बॉडी के पार्ट्स एक प्लास्टिक बैग में जमा करने को कहता है। जेसी जब बेड के पास जाता है, तो बेड के अंदर से एक क्रिएचर हिलता है, जिसे देखकर जेसी उल्टी कर देता है, और क्रिएचर ने जेसी के फिंगर का ब्लड भी पी लिया था। डेविड उस क्रिएचर को अपना ब्लड पिलाता है, और जेसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताए। वो क्रिएचर सिर्फ आदमियों को खाता है और औरतों को प्रेग्नेंट करवाता था। डेविड उसी क्रिएचर के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ कर लाता था, और उनको क्रिएचर के हवाले कर दिया करता था। फिर अगले दिन एंजेली मोटल में आती है, और डेविड से पैसा मांगती है उन क्रिमिनल्स के बदले जिनको एंजेली ने उसके पास में भेजा था। एंजेली को उस क्रिएचर के बारे में कुछ पता नहीं था, और डेविड एंजेली को कुछ पैसे दे देता है, और कहता है कि बॉर्डर पार करने वाले उन लोगों को वहां पर लेकर आए। एक दिन डेविड उनके मोटल के पास की सड़क पर कुछ ट्रैप्स लगा देता है, ताकि लोगों की जब कार खराब हो तो वो उसके ही मोटल में आ जाए, और इस तरह क्रिएचर के लिए डेविड को और शिकार मिल जाते हैं। जेसी डेविड से नाराज था, जिस तरह वो लोगों को मरने के लिए क्रिएचर के हवाले कर दिया करता था। डेविड के मुताबिक एक दिन जेसी को ही ये मोटल और उस क्रिएचर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और डेविड जेसी को मोटल की कीज भी दे देता है। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डेविड की मौत हो जाती है। डेविड के मरते ही उसकी बॉडी एक पेड़ में कन्वर्ट होने लगती है। फिर कार से निकलकर जेसी एक दूसरी कार से हेल्प मांगता है, और कार में एरिक और लिजा नाम के एक कपल थे, जो कि जेसी को जख्मी देखकर उसकी मदद करते हैं और उसे उसके मोटल ले जाते हैं। मोटल में एंजेली जेसी के जख्मों की ट्रीटमेंट करती है, और एंजेली यहाँ पर एलेक्स, लियो और रोमन नाम के कुछ क्रिमिनल्स को लेकर आई थी, जो कि बॉर्डर पार करके अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। जेसी को तकलीफ में देखकर एंजेली उन क्रिमिनल्स के बदले जेसी से पैसे मांगती है, क्योंकि उसका बेटा हॉस्पिटल में था। वो जेसी एंजेली से कहता है कि उसके पास अभी कोई भी पैसा नहीं है। फिर कुछ देर के बाद में जेसी सभी को खाना देता है, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत कम था, और बाकी लोग इसके लिए जेसी से कंप्लेंट भी करते हैं। जेसी उनसे झूठ कहता है कि उसके फादर डेविड खाना लाने के लिए सिटी में गए हैं। सभी लोग खाना खाने के बाद में अपने अपने रूम में जाते हैं, और जेसी किसी को भी क्रिएचर के रूम में नहीं भेजता है। जेसी ऑपरेटिंग रूम से सभी पर नजर रख रहा था, वो तभी वो नोटिस करता है कि एंजेली उस क्रिएचर वाले रूम में जा रही है। जेसी एंजेली को रोकने जाता है, और एंजेली को लग रहा था कि डेविड ने उस रूम में पैसे छुपाए थे।
जेसी के मना करने पर भी एंजेली उस रूम में जाकर तलाशी ले लेती है, लेकिन उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता है और एंजेली वहां से चली जाती है। अब उस टाइम क्रिएचर भी कोई हरकत नहीं कर रहा था, तो इसलिए एंजेली को क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तब भी वहां पर एरिक और लिसा आते हैं, जो कि जेसी को रूम के बाहर निकाल देते हैं और खुद उस बेड पर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ में वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते टाइम एरिक को वो क्रिएचर खा जाता है और अपने टेंटिकल से लिसा को प्रेग्नेंट कर देता है। अब कुछ देर के बाद जेसी जब रूम के अंदर आता है तो लिसा बेड पर बेहोश पड़ी थी और जेसी लिसा को एक दूसरे रूम में सुला देता है। उसके बाद वो एरिक की हड्डियों को आग में जला देता है ताकि बाकी लोगों को क्रिएचर के बारे में पता न चले। बाहर बाकी लोग जेसी से और खाना मांग रहे थे और अचानक उनको बेसमेंट से एक तेज आवाज सुनाई देती है। सभी बेसमेंट में जाकर देखते हैं कि लिसा पानी में फ्लोट कर रही है और उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका है और पेट के अंदर एक क्रिएचर मूव कर रहा है, जिससे कि लिसा को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। सभी लिसा को पानी से बाहर निकालते हैं और लिसा उनको उसका पेट काटकर क्रिएचर को बाहर निकालने को कह रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तब लिसा खुद अपना पेट काटकर उस क्रिएचर को बाहर निकालती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड थे। वो क्रिएचर एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन सभी किसी तरह एलेक्स को बचाकर बेसमेंट से बाहर आते हैं। सभी कार से वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ठंड के कारण उनकी कार नहीं चलती है और सभी को वापस मोटेल के अंदर आना पड़ता है। इसके लिए सभी एंजेली पर शक कर रहे थे, लेकिन एंजेली उनको बताती है कि वो तो बस लोगों को मोटेल में लाती है और उसके बाद डेविड लोगों को क्रिएचर का खाना बनाता है। एंजेली को शक था कि डेविड ने बहुत सारे पैसे इसी मोटेल में छुपाए थे, तो इसीलिए जेसी को लेकर एंजेली और लियो उस जगह पैसे ढूंढने लगते हैं। एलेक्स और रोमन बाहर आने वाले खतरे पर नजर रख रहे थे और लिसा यहाँ पर एक रूम में बेहोश पड़ी थी। एलेक्स को एक रूम से आवाज आती है और वो लाइटर जलाकर उस रूम के अंदर देखता है, तो रूम की दीवार में लाइटर से आग लग जाती है। आग लगने से दीवार में छुपा हुआ क्रिएचर निकलकर एलेक्स को मार देता है और छोटा क्रिएचर रोमन को जान से मार डालता है। आवाज सुनकर सभी उसी रूम में आते हैं और तब लिसा उनको बताती है कि क्रिएचर ने एलेक्स और रोमन को मार दिया है। वहीं पर एंजेली को छोटा क्रिएचर मिलता है और एंजेली को वो क्रिएचर इनोसेंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस क्रिएचर को आग में डाल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। छोटे क्रिएचर को मरता हुआ देखकर बड़ा क्रिएचर गुस्से में जोर से चिल्लाता है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और लियो एंजेली को पानी में फेंक कर मारने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि एंजेली की वजह से उसके दोस्तों की जान गई है। तब जेसी इन सब का इल्जाम खुद पर ले लेता है। लियो तब जेसी को मानने जा ही रहा था कि उसी टाइम क्रिएचर अपने टेंटेकल से लियो को पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए लियो उस क्रिएचर के टेंटेकल को चाकू से काट देता है। लियो जब क्रिएचर से बचने में बिजी था, तो उसी टाइम जेसी एंजेली को लेकर वहां से निकलने लगता है। निकलने से पहले स्टोरेज रूम में एंजेली और लिसा बहुत सारा खाना देखते हैं। जेसी उनको बताता है कि ये खाना इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था। फिर वे लोग उसी क्रिएचर के रूम की तरफ आते हैं और वहां पर उनको लियो मिलता है, जिसके साथ जेसी की फिर से फाइट होती है। जेसी को बचाने के लिए एंजेली लियो पर चाकू से वार करती है, जिससे कि लियो उसी क्रिएचर के बेड पर गिर जाता है और क्रिएचर लियो को खा जाता है। अब एंजेली जेसी और लिसा मोटेल से बाहर आते हैं और एंजेली कार को स्टार्ट करने में लगी हुई थी। तब जेसी कुछ सामान लेने के लिए मोटेल के अंदर जाता है। अंदर जेसी को पहली बार वो बड़ा क्रिएचर नजर आता है, जो कि किसी बड़े से पेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। क्रिएचर जेसी को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि उस क्रिएचर की जड़ें जमीन में घुसी हुई थी। जेसी उस क्रिएचर को जान से मार डालता है, ताकि फ्यूचर में किसी को भी अपनी जान गंवानी ना पड़े। अब जेसी को क्रिएचर के बेड पर एंजेली बैठी हुई मिलती है, जो कि अपने बेटे की मौत की खबर सुन रही थी। जेसी एंजेली को अपने साथ में लेता है और जाने से पहले वो उस क्रिएचर के बेड को आग लगा देता है। तीनों मोटर से दूर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में एंजेली बहुत अजीब महसूस कर रही थी। एंजेली भी अब उस क्रिएचर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एंजेली और जेसी कार से बाहर आते हैं और एंजेली अपने पेट को काटकर उस क्रिएचर को बाहर निकालती है। जेसी क्रिएचर को मारने वाला था, लेकिन एंजेली जेसी को ऐसा करने नहीं देती है और जेसी को वहां से चल जाने को कहती है। लिसा इन सबसे डरकर अकेली कार लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लिसा भी एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एंजेली भी कुछ ही देर के बाद में मर जाती है और तब जेसी वहां से आगे बढ़ता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में जेसी को एक पेड़ नजर आता है, जहां पर जेसी के फादर डेविड के जैसा ही एक टैटू बना हुआ था और जेसी को पता चल जाता है कि डेविड अब पूरे तरीके से एक पेड़ बन चुका है। यहां पर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस प्रेग्नेंट औरत को देखा था, वो असल में जेसी की माँ थी और चोरों को मारने वाला आदमी जेसी का फादर डेविड था। फिर जेसी उस पेड़ को गले लगाकर सॉरी कहता है और वहां से अकेले ही दूर चला जाता है। हम देखते हैं कि जेसी के पास में अब कोई भी नहीं था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों ये मूवी एक कल्ट के बारे में है जो कि उस क्रेचर की पूजा करती है और उसके मेंबर उस क्रेचर की देखभाल भी करते हैं। डेविड भी उसी कल्ट का एक मेंबर था। डेविड लोगों को अपने मोटल में लाता था और क्रेचर को खाने के लिए वो लोगों को उसके हवाले कर दिया करता था। उस क्रेचर के जो भी देखभाल करता था या फिर क्रेचर से प्रेग्नेंट हुई औरत मरने के बाद एक पेड़ बन जाती है। डेविड उस क्रेचर का इतना ज्यादा वफादार था कि उसने अपनी वाइफ को ही क्रेचर के हवाले कर दिया था और वो प्रेग्नेंट होकर मर गई थी। अब क्रेचर की बात को राज रखने के लिए डेविड ने उन चोरों को जान से मार दिया था और क्रेचर के बेड में बैठने से एंजेली भी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो दोस्तों ये था आकाशिया मोटल का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।